और लखनऊ की बात करेंगे जहां पर मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इस मौके पर उनके साथ में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षक दिवस है, यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के तौर पर मैंने बच्चों को शिक्षा दी है। बीजेपी ने एक शिक्षक को शिक्षक दिवस पर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताकर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ संसद में उठाने का काम करूँगा। बता दें कि राज्यसभा की खाली सीट पर नामांकन का आज आखिरी दिन है और कल जमा कराए जाने वाले नामांकन फॉर्म की जाँच होगी और इसके बाद में 8 सितंबर तक नाम वापस लेने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।